घरेलू गैस से लगी आग में झुलसकर एक ही परिवार के 9 लोग जख्मी, निजी अस्पताल में इलाजरत। घरेलू गैस सिलेंडर के रिसाव को नजरअंदाज करना एक परिवार को उसमें महंगा पड़ गया, जब लाइटर को जलाते ही आग भभक उठा और देखते ही देखते एक क्षण में पूरे परिवार को अपने आगोश में लेकर जख्मी कर दिया। आनंद थाना में स्थानीय लोगों ने सभी घायल को इलाज के लिए बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना जिला समस्तीपुर के थाना हसनपुर अंतर्गत देवदा फुलहारवाड़ा गांव की है। घायलों में शशिधर मिश्रा, खुशबू देवी, निशा देवी, छोटा बउआ और मीला देवी, आकाश कुमार, ऋषभ कुमार एवं परिकुमारी शामिल बताए जा रहे हैं। हालात नाजुक देख डॉक्टर ने एक जख्मी को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया है। परिजन रितु देवू ने बताया कि घर के सभी लोग एक कमरे में बैठकर बातचीत कर रहे थे, उसी समय घर की बच्ची खाना बनाने गई थी। गैस रिसाव का एहसास होने पर उसने गैस सिलेंडर को ठीक करने लगी। कुछ देर बाद अस्वस्थ होकर वो गैस लाकर खाना बनाने की तैयारी में जुट गई। उन्होंने बताया कि घर के कुछ सदस्य खतरे की आशंका को देखते हुए खाना बनाने का विरोध भी किए थे, लेकिन गैस रिसाव को अनदेखा करते हुए बच्चे सब कुछ ठीक होने की बात बताई और उसने लाइटर जला दिया। उन्होंने बताया कि लाइटर जलाते ही आग भभक उठा, एक ही क्षण में पूरे कमरा अग्नि की चपेट में आ गया, जिससे घर में बैठे सभी सदस्य आग में झुलस गए। फिलहाल सभी जख्मी शहर के द्वितीय जीवन निजी अस्पताल में इलाजरत है। बिहार न्यूज प्रतिदिन के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। अभी मत जला, सारे वहाँ जितने जने अभी पक गई, वो सारे जने को मम्मी बोल रही थी कि छोड़ दे, बाद में सुबह कर लेंगे। वो सब लोग नहीं माने, बोले कि नहीं हो रहा है, इसमें हवा भरा हुआ है, हवा थोड़ा निकल जाएगा फिर जलेगा। चूल्हा को जैसे मतलब स्विच ऑन करके बटन लाइटर जलाई, वो सुगर के गैस चारों तरफ फैला हुआ था, वो सारे को लपेट में ले लिया। पास में ही सब बैठी थी, सारे को लपेट लिया। 7-9 आदमी हैं, एक तो यहाँ से भी रेफर करके कहीं दूसरे जगह गए हैं। 7 आदमी यही है, मेरी लड़की अभी घर चली गई है। शशिधर मिश्र, खुशबू देवी, निशा देवी, मतलब उनका और एक का कि कुछ नाम है, उसे हम बउआ बउआ करके जानते हैं, छोटा बउआ, उर्मिला देवी, आकाश कुमार, ऋषभ कुमार, परी कुमारी, इन लोगों का घर फुलहारा हुआ, फुलहारा, देवधा फुलहारा, हसनपुर, समस्तीपुर। मेरा नाम तो रितु देवी है, मेरी माँ है, ये मेरे बहन का लड़का है, वो मेरे भातीज है, और शशिधर नाम जो बोलते हैं वो मेरा भाई है, चचा का लड़का। मैं अपने ससुराल से यहाँ आई हूँ, रातों रात जैसे फोन गया वैसे मैं यहाँ आई हूँ। धृति जीवन 9:30 बजे के आसपास सारे लोग एक ही परिवार से जले हुए स्थिति में आए। उनकी हालत काफ़ी गंभीर है और कुछ थोड़े कम जले हुए, जिनकी स्थिति थोड़ी ठीक है, बाकी इलाज चल रहा है इनका। देखते हैं आगे किस तरह से दवाइयां और सारी चीज़ें इन पे क्या रिस्पॉन्ड करता है, कैसे ये खतरे से बाहर आते हैं। मेरा जी, मैं डॉक्टर चंदन,